गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं कक्षा 9th में विषय गुजराती पार्ट 19 पंखी लोग ये पार्ट पढ़ा रही हूँ। कल मैंने ये पंखी लोग पार्ट का फर्स्ट वीडियो बना दिया है और आज जितना बाकी है उतने का मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप ध्यान देना। आधा पाठ है वहाँ से शुरू करती हूँ। हाँ, खेतरों में हजी टिटोड़ी वक्ती थी रटती जीवतर नी आशा बंधावे छे। हाँ, खेत में अभी भी टिटोड़ी नाम का जो पंखी है वो बोलती रहती है और जीने की आशा बंधाती है। पण तालाब ना पानी साथे कमल तो गया, लेकिन तालाब के पानी के साथ कमल तो चले गए। साथे पहले जड़ कुकड़ी हुई खूब खपी कुटी और साथ में वो जड़ कुकड़ी थी वो भी फूट गई। घर पास ने टेकरियों तेतर छेक वाड़ा सुधी आ जाता। घर के पास से टेकरी थी, वहाँ रहते हुए तेतर नाम थे, वो अपने वाड़ा के पास आ जाते थे ने जरा आवाज थत्ता फरुक करता उड़ी ने हमने छड़ावी देता। और थोड़ा सा जरा सा भी आवाज होता था तो हम के फर्र करते उड़ जाते थे और हमको डरा देते थे। बंदूक माँ तुअरना दाणा फरी ने बापू तीतर नो शिकार करता। वो पहले के ज़माने में बंदूक थी, उसमें हरी तुअर का दाना डालकर भर कर हमारा जो बापू पिताजी थे वो तीतर मारने का शिकार करते थे। एम दादा बातों करता, ऐसी जो दादा था वो बात करते थे। हवे तो छेक खेतरों में जाऊँ छू ने टिकरियों पास वाड़ पान फंफो सूचते त्यारे भरवा मड़े छे कि एकाद बे गभरू तेतर। अभी मैं गांव जाता हूँ तब वो वाड़ा में जाता हूँ, खेत में जाता हूँ तब टेकरी के पास से वाड़ में और पान में देखता हूँ तब देखने को मिलती है एक दो तेतर। त्यारे तो सवारे सीम ने वाटे लोटो ढाड़वा निकलता ने वन लावरी ना आवाज मन ने भरी देता। पहले तो हम सुबह में सीम में वो लोटो ढाड़वा निकलता संडास करने के लिए निकलते थे, तब वन लावरी का आवाज़ मन को भर देते थे। मरघी थी जराक नानी एवी वन लावरी, मरघी से थोड़ी छोटी ऐसी वन लावरी, एना पीछा पर ना टपकानी भात जोवानी तालावेली रहती। उसके पीछे थे तो उसके पीछे की जो भात थी टपका की वो देखने के हमको बहुत उतावल रहती। वन लावरी नवी पीढ़ी ने तो कागड़ में चित्र दोरी ने बतावी पड़ से एम लागे छे। वन लावरी तो ये नए जमाने के बच्चे को कागज में चित्र दूर के बताना पड़ता ऐसा लगता है। अरे एक बीजा बिना झुरी झुरी ने मरी जाता, हमेशा युगल माज रहता सारा सवे विरल थता जाए छे। अरे एक दूसरे के बिना झुर झुर के रहते हुए और हमें से जोड़ में ही रहते हुए सारस पक्षी वो विरल हो गए, मतलब बहुत कम हो गए। तेरे तो हमारा खेतरों में हमें काम करता भराए जाते, तभी तो हमारे खेतर में हम काम करते हुए भर जाते थे। एमने लांबी डोक आगड़ अने एवाज पाछड़ खेचाता लांबा पग, उसकी ऐसी लंबी डोक और आगे पीछे खींचते हुए पैर, बे मोटी पाँखों डोक बड़ी पाँख, अमने सांभड़िया करता हमको सुनते रहते थे। ये उड़ता तो विमान लगता, ये उड़ जाते थे तो विमान जैसे। एमना मधुर रणकार रणकदार आवाज जो रात्रिना प्रहरे प्रहरे महिसागरना कांठा थी सांभड़िया करता। वो सारस पक्षी उड़ते थे तो कैसा लगते थे, विमान जैसा लगते थे। और उसका मधुर रणकदार आवाज था वो रात्रि के प्रहर में महिसागर के किनारे पर सुनते थे। हवे तो चारे दिशानी सीम करता फरता ही एकाद भी सारस बेल्डी मांड जुआ मरे। अभी तो चारों दिशा में घूमते हुए भी सीम में एक दो सारस पक्षी का जोड़ा देखने को मिलता है। क्या गया ये महाकाव्य युग ना ऋषि मुनियों ने, पर प्रिय एवं निर्दोष प्रेमाल पंखियों कहाँ गए। वो महाकाव्य युग का ऋषि मुनियों को भी प्रिय ऐसा ये निर्दोष प्रेमाल पंखी। खेतरों ने क्यारों में पानी फरे छे, खेत के क्यारों में पानी फिरता है त्यारे थोड़ा ढेंक अने बगला आवी बेसे छे। तब थोड़े ढेंक और बगले
बगला आकर बैठते हैं। लणनी थैला खेतरों में दिवाड़ी घोड़ाओ पुछड़ी हलावता उड़े छे। जब गोया धान बोए काटते हैं तब धान काटते हैं तब खेत में दिवाड़ी घोड़ा नाम का पूछ हिलाता हुआ पक्षी उड़ते हैं। काड़िया कोसी पण फड़िए थी खेतर सुधी आटा फेरा मारता उड़े छे। काड़िया कोसी भी मोहल्ले और खेत तक आटा फेरा मारते हुए उड़ते हैं। जाने पीछा ना अंदर ना रंगों थी आभ ने सीम ने ठान छाटी देती चास विचली ना तार लाइन ऊपर मूंगा मूंगा बेसी रहे छे। कसाक नो सुपरविजन करतो रहे छे और किसी ऐसा लगता है कि किसी का सुपरविजन करता है। हजी पूछड़ी ने सड़ी हलावता पतरंगा हवा में सिल्लारा ले छे और हजी अभी अभी भी ऊँच हिलाते हुए पतरंगा हवा में वो घूमते रहते ने उड़ता वेद पीछा ना अंदर ना रंगों थी आप ने सिम ने छाटी देता चास बिजड़ी ना तारलाई ऊपर मूंगा मूंगा बेसी रहे और उड़ते ही पीछा के अंदर रहे हुए रंगों से आब और सिम को ऐसा छाट देते हैं जैसा चास लेकर बिजली की तार की लाइन के ऊपर मूंगे मूंगे बैठे रहते हैं। क्या कलकलियो तार स्वरे बोले छे। कहीं भी कलकलिया नाम का पक्षी तार के रूप में बोलते हैं। शरद उतरता कंसारा बोले शरद उतरते ही कंसारा बोलते पर देखाता नहीं लेकिन दिखते नहीं त्यारे तो धूड़िया नेड़िया में हुद हुद चढ़ता रहता तब तो धूल वाले नलिये में वो दाना खाते रहते थे। हवे तो इना दर्शन पण दुर्लभ थया छे। अभी तो उसका दर्शन भी दुर्लभ हो गए। हाँ सवार में दर्जीड़ा अने बुलबुल संभळाय छे। हाँ सुबह में दर्जीड़ा नाम का पक्षी और बुलबुल सुनाई देते कहे छे कि विलायती खातर और विलायती दवाओ खेतरों में वापरवा माँड्या ने जीव जंतु घटवा माँड्या त्यारथी पंखीओं पर्यावरण जोखवाय छे। कहा जाता है कि विलायती खातर विलायती दवा खेत में उसका उपयोग करने लगे लोग इसके लिए जीव जंतु मर जाने के कारण पक्षी भी पक्षी का पर्यावरण भी जोखम रूप है। साची बात छे जमीन ने सच्ची बात है जमीन ने वण खीड़े पूछी राखता पेला जमीन खेडू अड़सिया नहीं बच्चिया। हाँ सच बात है कि जमीन में जो अड़सिया नाम का जो जीव है वो भी बचे नहीं। झेरी दवानो पट तो आज अनाज अनाज नहीं लागे छे ने हवा नहीं झेरी दवा का पट तो धान को भी लगाया और हवा को भी जाने रहिया सहिया पंखियों उदास आँखें जोता जोता आपने खमैया करवानो कहे छे। वो रहे सहे पंखी उदास आँख से देखते देखते हमको धीरज धरना कहते हैं। पण यंत्रों आगळ हवे कलरव जाने संभळाता नथी लेकिन यंत्र के आगे ये कलरव मानो सुनते सुनाई नहीं देता है। गीध संभड़ी घूवर चीबरी पर कोतरों की कणजीओ पाखी पड़ता मूंझावा लगे। गीध संभड़ी घूवर और चीबरी भी खेत कोतर की कणजीओ पाखी पड़ता मूंझावा लगे मतलब उस डरने लगे सोचने लगे। होलो चकली कागड़ो माड़ा में माटे की जगह शोधवा बावरा लगे। होलो चिड़िया और कौवा वो अपना घोंसला ढूंढने की जगह के लिए शोधने लगते हैं। थोड़ा झाड़ छे ने एमा काड़े उनाड़े मीठू बोलती कोयल हजी संभळाय। थोड़े पेड़ है और गर्मी की मौसम में मीठा बोलती हुई कोयल अभी भी सुनाई देती। एना आवाज में वेदना पण छे उसके आवाज में वेदना भी है ने थोड़ी चमकी चिमकी पण छे और थोड़ी चिमकी भी है। क्यारेक ज जोवा मळतुं लखड़पोद हजी मारी लीली छम छाती में चाँच मारतुं कड़ाई छे। कभी कभी देखने को मिलता हुआ लखड़पोद खुद अभी भी मेरी लीली छम मेरी जो छाती है इसमें चाँच मारतू होगा ऐसा अनुभव होता है। हूँ मने पूछू छू क्या छे मारो पंखी लोग मैं मेरे मन को पूछता हूँ कहाँ है मेरा पंखी लोग। तो बच्चों यहाँ ये पाठ आपको बार बार देखना है और समझना है। उसका समानार्थी शब्द देखिए चबूतरों पक्षियों ने दाणा नाख चढ़वानी जगह मुभारो छापरानो मुभवाड़ो भाग फड़ियों मोहल्लो शेर पड़साड़ घरनो आगळनो भाग ओसरी सीम खेतर के गामनी हद ते भागनी जमीन कोहराम
धमाल, अवाज, कणजी एक जातनो वृक्ष, विरल दुर्लभ लागणी, काप पाक कापो, सोलारा लेवू, हरवो विचारू, नेड़ियूँ, सांकड़ी गली, सांकड़ो रस्तो, बावरू बेबाकड़ू, आकड़ व्याकड़ू, लोटो ढाड़वा जाऊँ, कुदरती हाजर ते जाऊँ, विरोधक सगवड़ अगवड़, मनगमतू अणगमतू, पूछू सखत शब्द संग, जेनू घर नथी ते बेघर, खेड़िया वगर नु वण खेड़ियूँ, घरना आगनो भाग पड़साड। स्वाध्याय देखो, प्रश्ननी नीचे आपेल विकल्पोमांथी साचो विकल्प पसंद करी खराने निशानी करो। कबूतरो बेघर बन्या छे कारण के जूना देशी नड़ियावाड़ा घर तूट्या छे, धाबावाड़ा मकान तूट्या छे, नवा कूवा बनता नथी, नवा मकान तूट्या छे। कबूतरो बेघर बन्या छे कारण के जूना देशी नड़ियावाड़ा घर तूट्या छे। फड़िया हवे पंखीओथी छलकाता केम नथी, चण नाखनारा वृद्ध वडीलो रह्या नथी, फड़ियामां हवे फटकड़ा फूटे छे, पंखीओ परदेश चाल्या गया छे, भकर सवाज करनारा मशीनो आवी गया छे। जवाब आवशे चण नाखनारा वृद्ध वडीलो रह्या नथी। वक्तिथी वक्तिथी रटती टीटोड़ीओ आपणने शुं संदेश आपे छे, हवे गमती नथी मत्यनो संदेश आपे छे, अकड़ावे छे जीवતરની આશા બંધાય। તો જવાબ આવશે ડી જીવતરની આશા બંધાય। સારસ માટે નીચેનામાંથી કઈ બાબત લાગુ પડશે? તે હંમેશા યુગલ રૂપે જ રહે છે, લેખક તો એ ઉડતા વિમાનનો લાગે છે। મધુર રણકાર અવાજ, રણકદાર અવાજ રાત્રિના પ્રહરે પ્રહરે સંભળાવે છે, જમીનના વણ ખેડીએ પોચી રાખે છે। તો જવાબ આવશે તે હંમેશા યુગલ રૂપે જ રહે છે। હવે પ્રશ્નના બે ત્રણ વાક્ય, પંખીઓનું પર્યાવરણ કેમ જોખમ આવે છે? કારણ કે હવે આધુનિક જમાનામાં ખેડૂતો વિલાયતી ખાતર અને વિલાયતી દવાઓ ખેતરમાં વાપરવા માંડ્યા અને જીવજંતુ ઘટવા માંડ્યા, એટલા માટે પંખીઓનું પર્યાવરણ જોખમ આવ્યું છે। ગામ હવે કેમ સૂનું સૂનું લાગતું, સૂનસામ લાગે છે? કારણ કે ગામમાં હવે ચણ નાખનારા વૃદ્ધો પણ રહ્યા નથી અને ઢીકડી અને અનાજના દાણા પણ અને ચબૂતરા પણ રહ્યા નથી, એટલા માટે ગામ હવે સૂનું સૂનું લાગે। તો નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તાર ઉત્તર લખો। જુદા જુદા પક્ષીઓની વિશેષતા તમારા શબ્દોમાં લખવી, પક્ષીઓની સંભાળ તમે કઈ રીતે લેશો પાઠના આધારે સમજાવો। તો બાળકો આ પાઠ વાંચીને સમજવો અને એના સવાલ જવાબ લખવા। ધન્યવાદ।